शुरू से हम लोग ये कहते रहे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पेशवाई की वापसी चाहते हैं। इनका दिमाग राजसी दिमाग है एकदम एकदम। तो ये प्रजातंत्र के रास्ते दरअसल राजतंत्र को लाना चाहते हैं। यह सब कुछ उसी की अभिव्यक्ति है और जातिवाद दरअसल घृणा की एक अभिव्यक्ति है ना। उसको जिस जो मैं फिर कहता हूँ जो घृणा इतनी उस घृणा के हम अभ्यस्त हैं कि वह घृणा हमको दिखलाई नहीं पड़ती और वह चीज़ आप मुसलमानों के साथ करने लगे हैं ईसाइयों के साथ करने लगे हैं और अब उस स्तर पर जा रहे हैं जहाँ आपको वह घृणा मालूम नहीं पड़ती है। शिलान्यास के समय राष्ट्रपति कोविंद को नहीं बुलाना और अब उद्घाटन के समय राष्ट्रपति मुर्मू को नहीं बुलाना, यह भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे कि यह बिल्कुल इत्तेफाक है कि एक दलित हैं और एक आदिवासी हैं और हमारे नहीं बुलाने के पीछे यह कोई वजह नहीं थी, लेकिन यही वजह है। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हूँ और यहाँ पर एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम है और प्रोग्राम का टाइटल है द डायनेमिक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ हेट, कि जो हेट है, नफरत है, उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे पड़ता है। इस पर एक शानदार प्रोग्राम है, प्रोफेसर अपूर्वानंद हैं और स्पीकर भी हैं, लेकिन जानना चाहते हैं बहुत सारी बातें कर रही हैं लेकिन आज संक्षेप में बात करूँगा। सर, ये जो थीम है ये तो एक व्यापक थीम है और जनरली लोग समझते हैं माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट हेट्रेड है, लेकिन अभी संसद भवन का उद्घाटन होना है 28 तारीख को और जब इसका शिलान्यास किया गया था दलित राष्ट्रपति थे, उनसे नहीं कराया गया। अब उद्घाटन होना है तो ट्राइबल महिला राष्ट्रपति हैं तो उनसे भी नहीं कराया जा रहा और मामला गरमाया हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। लगातार देखिए लगातार ये हेट कैंपेन चल रहा है, पिछले 10 वर्षों में तो हद ही हो गया और इसके डायनेमिक्स बहुत अलग अलग हैं। सिर्फ माइनॉरिटीज भी नहीं, इसका सबसे ज़्यादा मार तो पड़ना है SC ST OBC पे और अभी सिग्नल का भी चर्चा चल रहा है जो कि एकदम सामंती ब्राह्मणवादी सत्ता का प्रतीक है। कैसे पूरे प्रोसेस को देख रहे हैं आप? अगर हम सिर्फ इस यहाँ तक अभी सीमित रखें जिसको आपने कहा कि नफरत को कैसे समझें जी और नफरत की जो अपने डायनेमिक्स है और उसके असर कहाँ कहाँ पड़ते हैं, तो आपने दो उदाहरण दिए और वो बहुत मौजूद उदाहरण है। जैसे उद्घाटन के समय या शिलान्यास के समय राष्ट्रपति कोविंद को नहीं बुलाना और अब उद्घाटन के समय राष्ट्रपति मुर्मू को नहीं बुलाना, यह भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे कि यह बिल्कुल इत्तेफाक है कि एक दलित हैं और एक आदिवासी हैं और हमारे नहीं बुलाने के पीछे यह कोई वजह नहीं थी, लेकिन यही वजह है कि आप इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहते हैं लेकिन यह अंदर है। क्योंकि जो आप पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं वह कार्यक्रम अत्यंत ही ब्राह्मणवादी तरीके का अनुष्ठान है जिसमें यहाँ राजा और पुरोहित दोनों एक ही हो गए हैं, तो वह कार्य आप किसी दलित या आदिवासी को नहीं दे सकते। यह बहुत वर्णाश्रम धर्म का उल्लंघन हो जाए, वह बहुत स्पष्ट है। और वह आपने देखा होगा कि कानपुर जब राष्ट्रपति के गृह स्थल प्रधानमंत्री गए थे तो राष्ट्रपति वहाँ बाहर पीछे खड़े थे जबकि वो राष्ट्रपति वो पीछे खड़े थे और प्रधानमंत्री बैठे थे। तो अब यह घृणा के चलते है कि नहीं, या इसके पीछे घृणा है कि नहीं। आज सुबह ही मैं मनोरंजन व्यापारी की रचना पढ़ रहा था और उसमें वे जिक्र कर शुरुआत ही होती है एक ब्राह्मण के पास एक दलित गया हुआ है और उसकी पत्नी गर्भवती है और उसके घर में खाने को कुछ नहीं है। तो मुझको प्रेमचंद की कहानी सदगति याद आ गई जब वहाँ तो वो लगन बिचारने गया तो वह जो ब्राह्मण है उसके पाँव पर वह गिरता है और वो ब्राह्मण कहता है कि ओह सुबह सुबह क्या हो गया, है ना, दलित शूद्र मेरे पाँव पर गिरा। और फिर वो कहता है आजकल ज़माना गड़बड़ हो गया है, आजकल तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, फिर भी ये अच्छा नहीं लगता। फिर उसका बेटा दिन भर वो काम करवाता है उससे दो सेर चावल के लिए, तो उसके दिल में दया नहीं है जबकि उसने कहा है कि मेरी पत्नी गर्भवती है, उसने 3 दिन से कुछ खाना नहीं खाया है। लेकिन वो बहाना बनाता है कि नहीं मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी और लेन देन नहीं करते हैं, लेकिन उसके पहले वो पूछ चुका है तुम क्या लेकर आए हो,
और वो कुछ लेकर नहीं आया है, तो और जब वो दिन भर उससे काम करवाता है, लकड़ी फड़वाता है, सब कुछ करता है, उसके बाद दो सेर चावल उसका बेटा देता है, और दो सेर चावल देने के बाद कहता है कि तुम आ जाना भोज के दिन और जो बच जाएगा वो ले जाना। अब इसमें घृणा है कि नहीं है, इसको कोई उच्च वर्ण का व्यक्ति मानेगा कि नहीं मानेगा, है ना। बेटा, वो कहता है कि बेटा तो दयालु है, लेकिन बेटा परंपरा का पालन कर रहा है ना। परंपरा का पालन तब वो नहीं करता जब उसको अभी वो कुछ भात दे देता, कुछ और कर देता, वो नहीं कर रहा। तो यह ऐसी घृणा है जो हमारे स्वभाव में रच बस गई है और हम पार्ट हो गया लाइफ, और उसको हम घृणा के रूप में पहचानते भी नहीं। हमको लगता है कि यह तो बहुत स्वाभाविक जीने का तरीका है। और आप किसी से घिन करते हैं, घृणा या घिन, घिनौनापन, वो नफरत कि कोई आपके घर में आके आपके बगल में बैठ गया और संवैधानिक रूप से आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अंदर आपके खौल रहा है, तो यह कैसे हो सकता है। और वो इसमें व्यक्त होता है कि आप मकान नहीं देते हैं किसी को, मुसलमान को तो खैर नहीं मिलता है मकान, दलितों को भी मकान नहीं मिलता है। और मुझे अभी तक याद है कि मेरा छात्र जयपुर में नौकरी करने गया और मेरी फ़ोन पर बात हो रही थी, तो उसने कहा कि सर मेरा जो सरनेम है उससे कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए मुझको मकान मिल गया। चौहान लिखता हुआ चाहे कुछ इस तरह, कुछ भी याद नहीं। मैंने कहा कि आपको सच्चाई बतानी चाहिए थी, तो उसने कहा कि सर मेरे माँ पिता बीमार हैं, मुझको घर चाहिए, मकान चाहिए था, तो अभी मैं सत्य बोलने की अवस्था में नहीं था। अब यह एक पैबस्त नफरत है या नहीं, और आप इसको स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि आप कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो गंदगी के चलते नहीं देता हूँ, मैं तो प्याज लहसुन के चलते नहीं देता हूँ, जबकि असल बात है कि आप दलित होने के चलते नहीं देते हैं, मुसलमान होने के चलते नहीं देते। तो यह तो एक स्तर है जिसमें आप अपनी नफरत को नहीं पहचानते और उसका आपके स्वभाव पर आप असर पड़ता है और पूरे समाज के स्वभाव पर असर पड़ता है, जिसमें एक समाज बन ही नहीं पाता है। हम और आप अगल बगल बैठे हैं लेकिन हम एक समाज तो नहीं हैं, क्योंकि नफरत और अलगाव दोनों एक ही चीज़ है, उससे अलगाव पैदा होता है। तो आप राष्ट्र की बात कैसे कर सकते हैं जबकि हम एक दूसरे से वास्तव में घृणा करते हैं, और एक दूसरे से घृणा करते हैं कहना गलत होगा क्योंकि दूसरे को घृणा का अधिकार ही नहीं है। वो घृणा कैसे कर सकता है, वो घृणा का पात्र है, उन्हें उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो अभी किसी से घृणा कर सके। इसलिए ये कहना एक दूसरे से घृणा करते हैं भी गलत है, आप दरअसल दलितों से घृणा करते हैं, आप मुसलमानों से घृणा करते हैं, यह समझना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। दो कोट में आपको अम्बेडकर का यहाँ दे रहा हूँ, वो कहते हैं कि जो दलितों का सामाजिक बहिष्कार कैसे होता है कि जब दलित कोई मजदूरी मांगता है, अपना अधिकार मांगता है, तो उसका जो है सबसे पहले आर्थिक नाकेबंदी की जाती है, गांव के बाहर उसको राशन नहीं देंगे, दुकान पर सामान नहीं देंगे, और ये नाकेबंदी ऐसी भयानक है जो गांधी के बायकॉट से भी ज़्यादा असरदार है। हाँ, और दूसरा कहते हैं कि प्रथाएं कई बार इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उसमें कानून भी फीका पड़ जाता है, जनरेशन टू जनरेशन प्रथाएँ, तो क्या वही कानून है? वही कानून है, इनफैक्ट जिसमें संवैधानिक कानून है वो भी फीका पड़ जाता है। और जब से ये राइट विंग पॉलिटिक्स का इमर्जेंस हुआ है, लगता है कि उन प्रथाओं का प्रचलन बड़ा तेज़ी से री इन्फोर्स कर रहा है। आगरा में भी हाल की घटना है, कोई गांव की घटना नहीं, शहर की घटना है, इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, इसमें अलग से कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि यह तो हमारे समाज की सच्चाई है। और जो लोग यह कहते हैं कि अब हमारे यहाँ कोई जातिवाद नहीं है, तो आप रोज़ाना अखबार उठा के देखिए, ध्यान से देखिए, आपको वह दिख जाएगा। और जातिवाद दरअसल घृणा की एक विचारधारा व्यक्ति है ना, उसको जिस जो मैं फिर कहता हूँ, जो घृणा इतनी उस घृणा के हम अभ्यस्त हैं कि वह घृणा हमको दिखलाई नहीं पड़ती, और वह चीज़ आप मुसलमानों के साथ करने लगे हैं, ईसाइयों के साथ करने लगे हैं, और अब उस स्तर पर जा रहे हैं जहाँ आपको वह घृणा मालूम नहीं पड़ती है, आपको लगता है ये स्वाभाविक तरीका है। एक इंटरेस्टिंग है, अभी पौड़ी से एक खबर आई है, राजपूत समुदाय के व्यक्ति हैं, उनकी बेटी मुसलमान से शादी होनी थी, इसका मतलब है कोई इनसे अछूता नहीं रह सकता, इनके ट्रेडिशन। तो आप इसको देखिए, ये घटना
जिसमें पिता एक शाम पहले तक कह रहा है कि नहीं हम करेंगे, और अब यह घृणा इतनी ताकतवर हो गई है कि उसने उसको हिला दिया, है ना। जबकि वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, खुद प्रभावशाली व्यक्ति है, अध्यक्ष है, नगर निकाय अध्यक्ष है, लेकिन वह हिल गया इससे। तो यह घृणा खुद उस समाज को कैसे बदलेगी, यह समझना बहुत। चलिए एक छोटा सा और सवाल लेता हूँ, जो सिग्नल का भी मामला चल रहा है, ये चोला कल्चर का पूरा पार्ट है और नीलकंठ शास्त्री ने, डी एन झा साहब ने बहुत लिखा है, ये ब्राह्मणवादी संस्कृति की पुनरावृत्ति है, ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, शुरू से हम लोग ये कहते रहे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पेशवाई की वापसी चाहते हैं। इनका दिमाग राजसी दिमाग है, एकदम एकदम। तो ये प्रजातंत्र के रास्ते दरअसल राजतंत्र लाना चाहते हैं, यह सब कुछ उसी की अभिव्यक्ति है। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी कैसे बैठकर यजमान की भूमिका, पुरोहित की भूमिका, तो ये सब क्या है, वही। और ये जो राजदंड लाने की कोशिश, जिसको संग्रहालय में रख दिया गया था, उसको अब ये लाकर प्रतीक बनाना चाहते हैं। जवाहरलाल नेहरू जानते थे कि सामंतवाद ब्राह्मणवाद का प्रतीक है, संग्रहालय में रख दिए थे उसको। शुक्रिया पूर्वानंद जी को सुन रहे थे, और अभी प्रोग्राम का पूरा प्रोसीडिंग भी दिखाऊंगा, देखते रहिए अम्बेडकर। थैंक यू।